फ्रेंड्स, मैं नवीन अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल स्टोरीटेक पे। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं 2-in-1 फैशन किट का। ये है बड़ी सुंदर सी फैशन किट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक तो ये ट्रॉली की ट्रॉली है और फैशन किट के साथ फैशन किट, कितना प्यारा और सुंदर सा प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसकी आज हम फुल अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इस वीडियो के अंत तक आपको मिलेगा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड फुल जानकारी। आप इसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पूरा रिव्यू के साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं सबसे पहले हम ओपन करने के लिए आप देखेंगे पीछे से ये एक यहाँ पे इस तरह से जो इसका हैंडल है, हम इसको निकाल लेंगे। जब इसको हैंडल निकालेंगे ये प्रॉपर एक ट्रॉली की शेप में बन जाती है, इस तरह से आप दिखाई दे रहे हैं जैसे आपको। और इसकी जो व्हील है प्रॉपर मूव कर रहे हैं, ये देखिए ये प्रॉपर मूव करते हैं और ये सूटकेस की तरह ही काम आ जाती है। और इसके बाद हम यहाँ पे जो आपको जो बटन दिखाई दे रहे हैं, इस बटन को हम इस तरह से प्रेस करेंगे और ये ऊपर चला जाएगा इस तरह से। इसको बटन को प्रेस करते ही ये देखिए, अब फिर इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। और इसके बाद जो ऊपर आएगा ये इस तरह से, अब ये देखिए मैंने हैंडल को बिल्कुल अलग कर दिया है। अब इसके बाद जो इसका ऊपर का ये पैकिंग है वो हम हटा देंगे, वो यहाँ से सील दी गई जाती है। उस सील को हटाने के लिए मैं यहाँ एक कटर लूंगा, ये देखिए कितना आपके सामने एक मिल गई है बड़ी प्यारी सी ट्रॉली। अब इसका हैंडल अभी नहीं है इसमें, तो आप ये ऐसे मूव भी करवा सकते हैं इसको। इसको बाद हम आप जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ये देखिए हमें मिलता है इसमें इतना कुछ, साथ में है ये स्टिकर्स, एक प्यारा सा मिरर मिलता है हमें और इतने सारे ये अब ये मैंने इसको कर दिया है फिनिश। अब हम इसको इंस्टॉलेशन इसकी मैं स्टार्ट करूंगा। इसको पहले हम इंस्टॉल करते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन में पहले हम इसको एक बार रन कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी जो टेबल है, यहाँ पे इसमें दो लॉक होते हैं। इस लॉक को यदि आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये इसकी जो इसका ये इस तरह से खुल जाता है। ये देखिए इसकी जो लेग्स हैं इस तरह से खुल जाती हैं। और इसके बाद काम आता है हमें ये ट्रॉली हैंडल, तो आप इस ट्रॉली हैंडल को इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये देखिए अब आपके सामने है कि इस तरह से ये ट्रॉली बन गई है। इसके नीचे भी अभी कुछ काम होना है, इस तरह से हम इसको रख लेते हैं क्योंकि फ्रंट इसका इस तरह से रहने वाला है। इसके नीचे एक ये जो इसको स्टेबल करने के लिए ये एक पाया दिया गया है, इसको इस तरह से यहाँ पे फिट करना है। अब ये देखिए अब बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स इतना हमने इंस्टॉलेशन कर दिया है ऑलमोस्ट। आप देखिए इसकी जो ट्रॉली है वो नीचे का जो टेबल है वो हमने बना दिया है। इस टेबल को आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बनाया है। अब हम इसके पीछे का जो पार्ट है वो रिमूव करेंगे। पहले मैं इसको इस तरह से इधर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक लॉक होता है, इस लॉक को आप धीरे से खोलेंगे तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखिए कितना आसान था इसको हटाना, तो हमने इसको हटा दिया बिल्कुल। तो अब इसके बाद हम करते हैं ऊपर की ट्रे को फिट, तो वो कैसे फिट होगी वो आप देखिए, बड़ी आसान है, वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप उसको। जैसे हमने देखा कि ये ट्रे को सिर्फ ऐसे ही रखना है और इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, इसका जो सांचा है बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसके बाद हम जो करते हैं वाले हैं वो है इसके साइड ट्रे हैं जो वो लगेंगी, वो साइड ट्रे को मैं वन बाई वन लगा देता हूँ। इसमें साइड ट्रे दी गई हैं दो साइड ट्रे में, एक इस तरफ लगेगी और एक उस तरफ लगेगी। इसके जो यहाँ पे कट दिए गए हैं उसमें प्रॉपर फिनिशिंग के साथ है, जो इसकी फिनिशिंग है बिल्कुल मैच करती हुई है। आप ये देखेंगे ये थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होने की वजह से ये बिल्कुल भी मुड़ता नहीं है, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़ा सा अच्छा प्लास्टिक है। मैंने कितना दबाव दिया है इसको, उसके बावजूद ये देखिए, लेकिन जो उसकी फिनिशिंग है बिल्कुल मैच करता हुआ दिया है, ऐसे लगता ही नहीं कि यहाँ जॉइंट भी है और इतनी अच्छी खूबसूरती से ये बना हुआ है। इसके बाद हम जो पीछे का मिरर है उसकी अटैचमेंट को फिट करते हैं, वो देखते हैं कैसे फिट होगा। ये देखिए ये है मिरर, इसमें लगेगी 3 पीछे बैटरी, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसमें डबल ए साइज़ की जो छोटी पेंसिल सेल होती है वो 3 सेल लगने हैं, वो मैं इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ 1x1। इसमें वो भी इंस्टॉल ऑलमोस्ट हो गए हैं, आप देखिए
इसके बाद आगे से हम प्रेस करेंगे तो इसमें हल्का सा म्यूजिक भी आता है और यहाँ लाइट भी आती है। इसके बाद हम इसको यहाँ फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के लिए हमें चाहिए इसके साथ एक अटैचमेंट और, तो पहले मैं उस अटैचमेंट को नीचे रख के ही इसमें लगा लेता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। इसके बाद मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो ऊपर की साइड मैंने लगाया है वो भी मैंने हटाना पड़ेगा इसके साथ अटैच करने के लिए। अब देखिए ये हो गया फिनिश। इसको इस तरह से हम यहाँ पे फिट कर देंगे। अब ये खूबसूरत मेकअप की तैयार होती हुई दिखाई दे रही है आपको। जो इसका मिरर है बड़ा ही खूबसूरत है, इसके ऊपर एक लैमिनेशन किया हुआ है वो मैं अभी फ़िलहाल नहीं हटा रहा हूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है हमें। यहाँ प्रेस करते हैं तो इसमें म्यूजिक भी आता है, अभी फ़िलहाल मैंने ऑफ़ किया हुआ था, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ लाइट और म्यूजिक आता है। इसके बाद हम करने वाले हैं, यहाँ पे एक परफ्यूम की बोतल है जो मैं यहाँ रख देता हूँ एक बार, और बाकी जो प्रोडक्ट हैं वो भी मैं ओपन कर लेता हूँ जो एसेसरीज़ दी गई है बच्चों के लिए। और लिटिल गर्ल्स तो बड़ी खुश होंगी इस एसेसरीज़ के साथ, क्योंकि बहुत कुछ है इस प्रोडक्ट में। और ये एक प्यारा सा खूबसूरत हेयर ड्रेसर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अच्छी क्वालिटी के साथ बना हुआ है, लेकिन मतलब ये मूवेबल नहीं है, इसमें कोई बैटरी ऑपरेट नहीं होती है, सिंपल बना हुआ है। और इसके बाद ये देखिए इसमें आई है जो दूसरा पैकेट है, मैं वो ओपन कर रहा हूँ। अब इसमें ये देख सकते हैं आप कि मुझे ये नेल पेंट की कुछ बॉटल्स मिली हैं। अब मैं यहाँ रख देता हूँ एक बार नेल पेंट, और ये नेल पेंट हैं 3 बॉटल्स जो मैं यहाँ रख देता हूँ। काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, और वो कंघी मैंने वहाँ रख दी। इसके बाद मैं जो लिपस्टिक है वो मैं यहाँ रख देता हूँ, इस लिपस्टिक को यहाँ कर देता हूँ। इसके बाद आई है मेरे पास ये है फिंगर रिंग्स, अंगूठी जिसको हम कहते हैं। इसके बाद हमें मिलती हैं एक 3 अंगूठियां हैं इसमें, 3 फिंगर रिंग हैं। इसके बाद एक माला है जो नेकलेस जिसको हम कहते हैं, और साथ में है हाथों के लिए ब्रेसलेट, और 2 ब्रेसलेट हैं। ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखाई दे रहा हूँ, मैचिंग के साथ बनाए गए हैं, पिंक कलर में है, ये बड़ा खूबसूरत है। फ्रेंड्स मैं आपको क्लोजअप में दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से प्रोडक्ट बना हुआ है। ये देखिए नेल पेंट की फिनिशिंग क्वालिटी, और आप ये मिरर, फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्लोजअप में इतना सुंदर प्रोडक्ट है। देखिए इस जो गले में माला पहनने के लिए है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बनी हुई है। इसके बाद ये ब्रशिंग देखिए, ब्रश बालों के लिए दिया गया है, और बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ दिया गया है। और बाकी प्रोडक्ट भी लाजवाब हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है सारे प्रोडक्ट की। और आप इसे बाय कर सकते हैं अपने लिटिल टॉडलर्स के लिए, वो बच्चे बड़े खुश होंगे इसको लेके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में आपको कैसे लगी और आपको इस प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। और एक हमारे चैनल पे आजकल हमने स्टार्ट किया है गिव अवे, वो वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके उस वीडियो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा वहाँ एक जीतने का प्राइज़ जीतने का मौका। तो आज की वीडियो में इतना ही। और ये देखिए एक जो हेयर ड्रेसर है, इसकी क्वालिटी भी बहुत औसम है। ओवरऑल इस जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। हम मिलेंगे ऐसी नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए टोटेक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।